सरहद पार कर पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर दिन रात सुर्खियों में बनी हुई। सीमा और सचिन मीणा की इस लव स्टोरी पर भारत पाकिस्तान दोनों देशों में बहस चल रही है। पाकिस्तान से आने वाली सीमा हैदर ने पति बदल दिया, नाम, देश, धर्म और खान पान भी बदल दिया। पाकिस्तान से आई सीमा के बदलते रूप लगातार देखने को मिल रहे हैं। पिछले कई दिनों से मीडिया में खुलकर अपनी प्रेम कहानी बताने वाली सीमा और सचिन अचानक अपने घर से गायब हो गए। जी हाँ, ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में जिस घर में सीमा और सचिन रह रहे थे, अब वो वहां पर नहीं है। न्यूज 18 की टीम जब उनसे बात करने उनके घर गई, तब वो दोनों अपने घर पर नहीं मिले। घर के बाहर खड़े लोग अलग अलग कहानियां बता रहे हैं। कोई कहता है वो घर पर ही है, तो कोई कहता है अब वो बिना पैसे यानी फ्री में बात नहीं करेंगे। फिर हमारी बात खुद को सचिन का चाचा बताने वाले इस शख्स से होती है, लेकिन इनके जवाब भी गोलमोल नजर आते हैं। हमारे साथ सचिन के चाचा हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये इस घटना के बारे में क्या कहेंगे। आपके घर में एक पाकिस्तान से लड़की आती है जिनके साथ वो चार बच्चे अपने साथ ला रही है और सचिन उसे एक्सेप्ट करके अपनी वाइफ बना के घर पे रह रहे हैं, आप इस पे क्या कह रहे हैं? जी देखो, सचिन खुद तो बताओ जबरदस्ती तो किसी ने की नहीं थी, हैं? पाकिस्तान चल गए वो खुद आई है, हैं? ये बताइए जब पाकिस्तान में वो चार बच्चे उसके भूखे मर रहे थे, पति जब उसका पति कहाँ गया था उस टाइम, हैं? तो आपको आपको लगता है कि सचिन वो उन बच्चों को पाल लेंगे? सचिन की भी स्थिति वैसी नहीं है। क्यों नहीं पालेंगे? पालेंगे, उस टाइम वो पति आज कह रहा है कि लगा रहा है दास के मेरी पत्नी वापस है, जब पाकिस्तान में खुद भूखमरी पड़ रही है, हैं? उस दिन बच्चों को उसने नहीं देखा था कि मेरे बच्चे का क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं? आप लोग संतुष्ट हैं कि वहाँ से एक लड़के, और जो पब्लिक में बातें चल रही हैं कि वो घुसपैठिए हैं या ISI की एजेंट हैं, जासूस हैं, उसमें? देखिए, इसमें जांच चल रही है, अगर ISI की जांच होती है तो इस बात की हमारी, हम कह रहे हैं पूरा, हमने पूरा भारत देश भी इस बात से राजी नहीं है। ISI जांच चल रही है, अगर ऐसी जांच होगी तो जेल जाएगी। नहीं, जेल तो आप भी जाएंगे फिर, क्योंकि आपका घर है, आपने पनाह दी है। आप सचिन से जब भी पूछा जा रहा था, उनको उनके बारे में कुछ नहीं पता, वो गए नेपाल इलीगली, वो वहाँ से नेपाल से उनको बॉर्डर क्रॉस करा के लाए हैं। आपने एक बार भी उस पर आपत्ति नहीं जताई कि आप तुम अचानक से क्यों बॉर्डर क्रॉस करके? देखो मैं भारत सरकार से मैं भी दरखास्त कर रहा हूँ कि देखो ये तो बॉर्डर क्रॉस करके आई है, मान है कि सब भारतवासी इस बात को जान देंगे, एक दूसरे देश का वो है मामला, ये नहीं देश का मामला है, देश का मामला है, दूसरे देश का ही मामला है, मतलब ये भारत पाकिस्तान का मामला है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। अगर वो ISI एजेंट होती हैं या जासूस जैसे मीडिया में चल रहा है, हम इस पे कोई पुष्टि नहीं दे रहे, अगर ऐसा होता तो आपका पूरा परिवार भी इस संकट में आ सकता है। आपके सचिन तो है ही, उनके माता पिता जो आप लोग हैं, जितने भी नाते रिश्तेदार हैं, सब पे सवाल उठेगा। हाँ, वो तो आपकी बात ठीक है, आप लोग तैयार हैं? जांच चल रही है इस बात की, हम मोदी सरकार से दरखास्त कर रहे हैं कि अपनी जांच बरकरार रखें, और जासूस तो ये है नहीं, इतना पता चार बच्चे लेके साथ आए, कोई ऐसे नहीं आती चार बच्चे। आज के समय में जासूस और जो क्रिमिनल्स हैं उनका कोई चेहरा नहीं होता ना, वो कौन बड़े कौन बच्चे, बच्चे भी आजकल उसी में जी जी हो सकते हैं। जी जी जी, मानने की, ये तो मानने जो बात है वो मानी जाएगी, लेकिन जांच चल रही है इसमें, अगर गलत निकलेंगे तो भी यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है ना? ये हम, मैं चाहता हूँ कि आपके ये जो आपके भतीजे लगेंगे तो उनसे एक मिनट आप बात करवा दीजिए, उनसे बेटा वो क्यों नहीं बात कर रहे, वो क्यों नहीं बात कर रहे हैं, वो छोटे भाई है ना, उनको भाभी कैसी लगी, वो एक मिनट बात तो कर ही सकते हैं। अंदर दिखाइए, एक बार अंदर दिखाइए, वो आखिर दिक्कत क्या है बात करने में? हम तो बस ये पूछ रहे हैं कि आपको अपनी भाभी कैसी लगी, वहां से आई है? सचिन मीणा के घर के बाहर पाकिस्तानी बहू से मिलने वालों का मजमा लगा हुआ है, लोग दूर दूर से सीमा हैदर से मिलने आ रहे हैं। कुछ राजस्थान से आए हुए लोग हैं यहाँ पे जो सचिन और सीमा को आशीर्वाद देने आए हुए हैं। इनका कहना है कि हमारे देश की बहू है, हम उससे मिलने आए हैं, अगर चार दिन लगेगा पांच दिन लगेगा तो हम आके उनसे मिल के ही जाएंगे। गाड़ी करके लाए स्कॉर्पियो। आपने ये मान लिया कि ये आपकी बहू है? हाँ, हमारी बहू है, लड़का ही बहू है, हम क्या बात है, देश की बहू है। आपको कोई सिक्योरिटी का दिक्कत नहीं लग रहा? आपको एकदम कंफर्म है कि ये लोग सेफ हैं? जो मीडिया में चल रहा है, पब्लिक, बहुत से देश के लोग हैं जो अभी भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि ये लोग
सही हैं, सीमा को जासूस के तौर से देखा जाए? जासूस नहीं है, सीमा जासूस होती तो क्यों आती है? आपको कैसे पता? जासूस है नहीं वो, तो घर घर बेच के क्यों आती है? जब अगर वो धोखा ही करती तो घर मकान को बेच के आई है और वो अलग रूट पे आई है। नहीं, 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 भाई ये आपको किसने दिखाया, आपको किस कैसे पता चला? देखा ना हमने, आपने मान लिया टीवी पे तो ये भी कहा जा रहा है कि वो जासूस है? नहीं जासूस नहीं, हमारी आत्मा नहीं मान। आपने ये मान लिया कि वो घर बेच के आई है, सब कुछ करके आई है, बॉर्डर पार करके आई है, प्यार के लिए आई है, लेकिन आप ये नहीं मान रहे हैं कि वो जासूस हो सकती है? आपके आप मतलब एकदम मानते ही नहीं कि वो जासूस हो सकती? ना ना, जासूस नहीं है। आप पड़ोसी गांव से हैं और आपके बगल में ही गांव में ऐसी घटना घट रही है जहां पाकिस्तान से एक महिला आती है तो, और वो आपको अपने को बताती है कि वो पबजी खेल के प्यार मोहब्बत में आ गई यहां से, आपको कोई डर नहीं लग रहा? ऐसा कोई बड़ी सिक्योरिटी इशू नहीं लग रही? देखो डर का तो खैर इशू है जब तक हमारी जाँच एजेंसियाँ क्लियर नहीं कर देती हैं कि भाई किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं है, वो सही है। तो डर तो उस दिन निकलेगा जिस दिन जाँच एजेंसियाँ अपना क्लियरेंस दे देंगी। घर के ठीक बगल में उनके चाचा का घर है, उनसे हमने जब बात की तो उनके जवाब हर बार अलग अलग आए। उनकी बातों से लग रहा था मानो और सीमा और सचिन यही हैं, लेकिन वो बताना नहीं चाह रहे। घर के बाहर चर्चा है कि सीमा और सचिन और उसके परिवार वाले कई दिनों से लगातार मीडिया से घिरे होने की वजह से परेशान हैं, ठीक से आराम नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से सीमा की तबीयत बिगड़ गई। कल जो उसकी स्थिति हुई है ना, क्योंकि 12:10 पर आलू चीरे हैं घर में, तब जाकर खाना बना हमारा, तब जाकर रोटी हुई है, फिर दो घंटा आराम, नींद पूरी नहीं हुई है, उसकी लाल आँख पड़ रही है बहुत ज़्यादा, और यहाँ से भी गले से बोला नहीं जा रहा उसका बिल्कुल भी। तो आज के लिए 9 रेस्ट दिया गया है, वो यहीं पे है, आप खत्म करो, वो यहीं पे है। और आपसे बताइए क्या वो 9 बजे से पहले नहीं आएंगे? भैया नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। कहाँ है आप? मैं बोलता रहा हूँ ना, चले जाओ कृष्णा हॉस्पिटल में, कृष्णा हॉस्पिटल में जाओ, चले जाओ, वो यहीं पे है इसी गांव में। और आप लोग इतने देर से टाल भाई साहब, मैं ऐसा ना ऊपर से जो एसओ का जो थाने से हमें फोन से मिली है, ठीक है भाई साहब, 9-10 बजे तक तो पहला नहीं आएगा, जब तक यहाँ से बिल्कुल भी कोई खत्म नहीं होगा तो नहीं आएगी, क्योंकि हमें खुद डर लग रहा है कि आप तो मीडिया वाले हमें पता है, लेकिन आपके चक्कर में जो 4 आएंगे ना, हो सका किसी के जो हमें हिदायत दी हुई है कोई पिस्टल लेकर आ गए। बहरहाल पूरे दिन सचिन सीमा के घर के बाहर रहने के बाद अब हम वहाँ से निकलने लगते हैं। हमें निकलता देख सचिन के चाचा हमारे पास आते हैं और कहते हैं आपको वकील साहब से मिलवाता हूं। इसके बाद मोटरसाइकिल से एक वकील साहब आते हैं, हम वकील साहब के पीछे चलने लगते हैं। वकील साहब पूछने पर कहते हैं हाँ वो दोनों यही हैं, मुझे 2 मिनट दीजिए मिलवा दूंगा। वकील साहब उठते हैं और हमें उस घर की तरफ ले जाने लगते हैं जहां वो पहले गए थे। उस घर में अंदर एक कमरे में घुसते ही हमें सचिन और सीमा लोगों के साथ बैठे हुए दिखाई देते हैं। वकील साहब कहते हैं सीमा ये कुछ मीडिया वाले हैं, तुमसे 2 मिनट बात करेंगे, आ जाओ। सीमा सचिन के साथ बाहर आती, हम सीमा से उनका हालचाल पूछते हैं, वो कहती हैं ठीक हूँ भैया। तभी उस घर में मौजूद लोग हमारा विरोध शुरू कर देते हैं और घर से बाहर जाने को कहते हैं, जबकि सीमा को हमसे बात करने में कोई आपत्ति नहीं थी। उस घर के लोग हमें बाहर जाने को कहते हैं, हम उनसे सीमा और सचिन से बात करने की दरख्वास्त करते हैं, लेकिन वो हमारी बात सुनने को राजी नहीं थे। मानो हमारे घर के अंदर सीमा के सामने पहुंच जाने से उन्हें झटका लगा। वो वकील से कहते हैं कि मीडिया को दोबारा घर के अंदर लेकर ना आए। इस तरह से वो हमें इंटरव्यू लेने से मना करते हैं और आखिरकार हम भी उनकी बात और उनकी निजता का पूरा सम्मान करते हुए घर के बाहर आ जाते हैं। बाद में वकील साहब हमसे तरह तरह की बातें करते हैं। वहां से जाते वक्त जिस घर में सचिन मीणा और सीमा हैदर हमें मिले थे, उस घर को लेकर और उस घर के लोगों को लेकर हमारे मन में कई सवाल थे। सबसे बड़ा सवाल मन में यही था कि कल तक पूरी मीडिया के सामने अपनी प्रेम कहानी सुनाने वाली सीमा हैदर ने अब खुद को पड़ोसी के घर में क्यों कैद कर लिया है।